मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे स्वैपिंग का एक प्रोग्राम, स्वैप प्रोग्राम बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो स्वैपिंग क्या होती है पहले आपको बता देता हूँ। स्वैपिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी टोपी उसके सर। सॉरी, आपको एक एग्जांपल के थ्रू इजी लैंग्वेज में समझाते हैं कि स्वैपिंग क्या होती है। यानी अपने पास दो वेरिएबल होते हैं, एक ए दूसरा बी। यानी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उनको एक दूसरे से इंटरचेंज करना, उसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। यानी वेरिएबल जो ए है उसके अंदर हमने 10 असाइन कराया हुआ है और वेरिएबल बी में 20। अब हमें एक ऐसा लॉजिक लगाना है कि जब हम इनको प्रिंट करवाएं तो ए के अंदर 20 प्रिंट हो और बी के अंदर 10 प्रिंट हो, तो इसी को हम स्वैप करना बोलते हैं। सो इसको अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे लिखते हैं स्वैप प्रोग्राम। सो इसको और भी अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो इसको ऐसे मानते हैं कि अपने पास दो कटोरी है, ठीक है। एक कटोरी ए है और दूसरी कटोरी बी है। सो जो ए आपकी कटोरी है उसके अंदर हमारे पास मानते हैं कि चावल है, ठीक है। एक कटोरी ए है जिसके अंदर हमारे पास चावल है, फॉर एग्जांपल वैल्यू इसमें 10 है, ठीक है। मानते हैं एक ए कटोरी है जिसके अंदर हमारे पास चावल है और एक दूसरी कटोरी अपने पास है बी जिसके अंदर दाल है, ठीक है। यानी उसके अंदर क्या है, 20, यानी उसके अंदर दाल है। अब हमें करना क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि चावल वाली कटोरी में दाल आ जाए और दाल वाली कटोरी में चावल आ जाए। समझ रहे हो कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ए की वैल्यू बी के अंदर आ जाए और बी की वैल्यू ए के अंदर आ जाए। सो लिखते हैं, दिमाग लगाइए कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। दो अपने पास कटोरी है ए और बी जिसके अंदर दोनों में चीजें हैं, अब उनको हमें इंटरचेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम एक खाली कटोरी लेंगे, ठीक है। एक खाली कटोरी लेते हैं तो अब प्रोग्रामिंग में क्या लेंगे, एक खाली वेरिएबल ले लेते हैं। तो मानते हैं हमने एक कटोरी ली सी जो आपकी ब्लैंक है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है कि जो खाली कटोरी है, ठीक है, उसके अंदर हम चावल डाल देते हैं। यानी जो खाली कटोरी है उसमें हमने क्या डाल दिए, चावल को डाल दिया, यानी ए को, ए की वैल्यू हमने डाल दी किसमें, खाली कटोरी में। तो इस टाइम क्या हुआ, जो अपना ए है, ठीक है, जो ए कटोरी है वो खाली हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी खाली कटोरी है, खाली कटोरी कौन सी है, ए, तो ए के अंदर अब हम क्या डाल देंगे, दाल को डाल देंगे, यानी बी को डाल देते हैं, ठीक है। अब बी के अंदर जो अपनी वैल्यू थी 20 उसको हमने ए में डाल दिया, तो अब इस बार कौन सी कटोरी खाली हो गई, बी कटोरी खाली हो गई। तो अब हम बी में क्या डाल देते हैं, जो अपनी कटोरी खाली हुई है उसके अंदर जो ऊपर हमने सी कटोरी के अंदर हमने चावल डाला था, वो अब सी कटोरी वाला चावल हम किस में डाल देते हैं, बी में, ठीक है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो ए कटोरी के अंदर हमारा चावल था, ठीक है, उसको हमने किस में डाला, सी में। तो यहाँ पे सी के अंदर क्या पड़ा है, चावल, यानी ए, सी को हमने किस में डाल दिया, सॉरी, ए को हमने किस में डाल दिया, सी में, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि
कि जो बी है, ठीक है, बी यानी क्या, बी के अंदर क्या है अपनी दाल, तो दाल को हमने किस में डाला, ए में, तो ए ए के अंदर हमने दाल दिया, सॉरी दाल को, यानी किसको, बी को। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि जो अपने पास बी कटोरी थी उसके अंदर हमने जो चावल ऊपर सी के अंदर पड़ा था वो हमने किस में डाल दिया, बी के अंदर, ठीक है। तो जो चावल था सी के अंदर वो हमने किस में डाल दिया, बी में, यही हमने किया। तो इस टाइम क्या हुआ, जो सी कटोरी थी, सी वाला चावल हमने बी में डाल दिया, तो जो लास्ट अपनी सी कटोरी थी वो वापस से क्या हो गई, ब्लैंक। स्टार्टिंग में भी ब्लैंक थी और अभी भी सी वाली कटोरी अपनी ब्लैंक हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पे अपन देखते हैं कि ए के अंदर पहले क्या था, ए के अंदर 10, यानी ए में क्या था पहले, चावल, और बी के अंदर क्या था, दाल। लेकिन अब हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, एक प्रोग्राम बनाया है, तो ए के अंदर अब अपने पास क्या आ रही है, दाल, और बी के अंदर अपने पास क्या आ रहा है, चावल, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हमने एक प्रोग्राम बनाया है स्वैपिंग का, कि ए की वैल्यू बी में आ जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखें, ए की, और दूसरा किसकी कराएं, बी की। सो सेकंड कराते हैं बी को प्रिंट, यानी ए और बी को हमने प्रिंट कराया है। अब आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है, ए के अंदर पहले क्या पड़ा था, 10, ठीक है, और बी में 20। हमने इसको स्वैप कर दिया, उल्टा किया, यानी जो भी प्रोसेसिंग या लॉजिक हमने लगाया उससे क्या हुआ, ए के अंदर तो दाल आ गई, यानी क्या आया, 20, और बी के अंदर क्या आया, चावल, यानी 10, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यही आउटपुट आ रहा है, सेव करते हैं और इस फाइल को ओपन करते हैं, सेम आ रहा है, यानी ए के अंदर 20 आ रहा है और बी के अंदर 10 आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में, जबकि ए के अंदर क्या था, 10 और बी में 20, लेकिन वैल्यू इंटरचेंज हुई और आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए में 20, बी में 10। इसी को हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बोलते हैं या स्वैप करना बोलते हैं। अब इसमें हमने एक तीसरी कटोरी यानी वेरिएबल सी का यूज किया था, तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि अगर हम ये तीसरी कटोरी का यूज ना करें तो क्या हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। सो अगर आप बना सकते हो तो ट्राई करके देखिएगा, फिर अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिना वेरिएबल सी का यूज किए वैल्यू को स्वैप करना सीखेंगे बाय यूजिंग ओनली टू वेरिएबल्स ए एंड बी। थैंक यू।